सबसे पहले हमें एक मॉडल की ज़रूरत पड़ता है, और हम एक पार्ट लेते हैं कोई सा भी नॉर्मल पार्ट से। उसके बाद हम न्यू मिलिंग में गए, तो ओके किए यहाँ से, और यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट मैनेजर का वो खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं मशीन, मशीन में हम Gmail 3x लेते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स हमें बनाना है एक कोई पार्ट मिलिंग करने के लिए। तो कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हमें बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, सेलेक्ट फेस, डिफाइन, सेलेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहाँ पे है हमारे कोऑर्डिनेट किस जगह पे रहना चाहिए पार्ट के किस हिस्से में। उस लिए यहाँ पे ऑप्शन है टॉप कॉर्नर ऑफ मॉडल बॉक्स, बॉटम कॉर्नर ऑफ मॉडल बॉक्स, इस तरह से ऑप्शन है। तो हम जो भी ऑप्शन लेते हैं वहाँ पे सेलेक्ट करके ये पर मॉडल के ऊपर क्लिक करना है, हमारा कोऑर्डिनेट पार्ट की उसी जगह पे आ गया। हमने यहाँ से लिया टॉप कॉर्नर ऑफ मॉडल बॉक्स, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट पार्ट के कॉर्नर पे आ गया। अब हम लेते हैं पार्ट टॉप सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स, तो ये हमारा मॉडल के बीच में आएगा, सेंटर बिल्कुल। और यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, जो थोड़ा कहीं सेंटर से कुछ शिफ्ट है, एक समय अगर 10 mm शिफ्ट है तो हम ऐसे 10 mm शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से, माइनस में है तो हम इधर से ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर वाई में कुछ है तो वाई में वैल्यू हम यहाँ से दे सकते हैं, और ये रोटेशन का है, हमें किसी भी डायरेक्शन में कुछ एंगल में है तो फिर उस टाइप से हम ले सकते हैं। लेकिन एक्चुअली 3 एक्सिस में ज़रूरत नहीं पड़ता रोटेशन करने का, इतने में हमारा काम चल जाता है। तो हम मॉडल के बीच में कोऑर्डिनेट बनाते हैं, उसके ऊपर हम एक टूल पाथ बनाएंगे फेस मिल का, तो इसको यहाँ से ओके करते हैं, और उसके बाद ओके यहाँ से भी एक और ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है स्टॉक, स्टॉक मतलब हमारे पास कितना एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो हमें पार्ट है। मॉडल के ऊपर एक बार क्लिक किया स्टॉक लेने के बाद, यहाँ पे स्टॉक भी हमें कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बॉक्स ले सकते हैं, हमारा बॉक्स के रूप में है अभी, एक्सट्रूडेड बाउंड्री 3D मॉडल बना के ले सकते हैं, सिलेंडर ले सकते हैं, लेकिन ये हमारे एक बॉक्स में आएगा, ठीक है। अब बॉक्स में हमें कितना किस साइड में मटेरियल है वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ये 2-2 mm बाई डिफॉल्ट आता है। तो हम चाहें कि हमारा एक्स में भी 3 mm है, माइनस में भी 3 mm है, और वाई प्लस में 4 mm है, उस टाइप से हमारा ये मॉडल क्रिएट, स्टॉक क्रिएट हो जाएगा। 3 mm हमने जेड में दे दिए, अब यहाँ से हम ओके कर देते हैं। अब हमारा टारगेट, टारगेट हमारा वो है जो हमें फिनिश पार्ट हमें बनाना है, टारगेट लिए उसके बाद हमें मॉडल पे एक बार क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे टारगेट सेलेक्ट हो गया। अब हमारा ये जॉब मशीनिंग करने के लिए रेडी है, तो हम देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, स्टॉक क्या है, मशीन के यहाँ पे और मशीन Gmail 3x है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा बीच में है यहाँ पे। उसके बाद स्टॉक क्या है, स्टॉक में हम देख लेते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से शो, अगर जैसा इस टाइप का स्टॉक लिया हो ये स्टॉक हमारे यहाँ पर शो करेगा, उसके बाद ओके। और टारगेट में भी हमारा जो टारगेट है, जो सॉलिड पार्ट है, यहाँ से भी हम शो करके देख सकते हैं। आगे डिफरेंट इसमें पता चलेगा क्योंकि एक रेक्टेंगल है, इसमें ज़्यादा डिफरेंट स्टॉक और टारगेट में वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम जो स्टॉक डिफाइन करेंगे वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं एक फेस मिल ऑपरेशन का टूल पाथ, तो यहाँ से फेस लिए 2.5D मिलिंग में जाके, उसके बाद फिर यह है स्टॉक बेस्ट बाउंड्री, इसमें हमें ज्योमेट्री में कुछ नहीं करना, ज्योमेट्री में बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करता है स्टॉक। उसके बाद टूल लिया हमने, इसको टूल हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ऐड टूल मिलिंग, फेस मिल लिए, फेस मिल का कटर डाय चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ये इसके डिस्क्रिप्शन है सारे, ओके। इसके पैरामीटर हम यहाँ पे डाल सकते हैं, पैरामीटर हमने 2000 डाल दिया, आरपीएम 1500 फीट, 800 फिनिश का फीट जो भी है, यहाँ से हम फिनिश का आरपीएम कम कर सकते हैं इस तरह से। अब लेवल, लेवल में क्या है, ए बाय डिफॉल्ट जो हमने स्टॉक में 3 mm जेड में दिया, ये 3 mm बाय डिफॉल्ट ले लिया, हम यूजर डिफाइन भी यहाँ से कर सकते हैं, तो हम कम करना चाहते हैं हम कम कर सकते हैं, लेकिन जो वाई स्टॉक है वो स्टॉक ले रहा है स्टॉक में, क्योंकि हमने दिया 3 mm जेड में मटेरियल है। उसको फेस डेप्थ 3 mm है,
और जो वैसे डिफाइन हम यहाँ से भी इसमें मॉडल पे क्लिक करके कर सकते हैं। तीन स्टेप डाउन, स्टेप डाउन हमें कितने स्टेप डाउन देना है, 1 मिलीमीटर। और टेक्नोलॉजी में जाते हैं, फिर टेक्नोलॉजी में ये ओवरलैपिंग है, जिगजैग है, वन वे है, और हम पहले इसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा इस टाइप से टूल पाथ बन गया। इसमें और भी हम चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जिगजैग है, जिगजैग हम करेंगे तो ये जिगजैग ऑपरेशन, इसमें भी जिगजैग ऑपरेशन करेगा, ये जिगजैग हो गया। ये है टूल की ओवरलैपिंग, ये है रिवर्स टूल पाथ। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा एंट्री पॉइंट और एंडिंग पॉइंट चेंज हो गया। स्टार्टिंग है एंट्री, पहले इधर से था, अभी इधर से हो गया। देखिए अभी हम रिवर्स अनटैक करते हैं, ये वापस पहले वाले पोजीशन की तरफ चले गए। अभी हमारा इस टाइप से मिलिंग हो रहा है। अभी हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसका एंगल चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री देंगे, ये हमारा 90 डिग्री में मशीनिंग होगा। देखिए उसके बाद हम और भी स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं, एच कंटूर, वन पासेस, बहुत सारे हैं। एक कंटूर मिलिंग हो गया, उसके बाद फिर ये स्पाइरल, स्पाइरल में भी हम कर सकते हैं।